हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लीवर ऑफ सीम्स। मेजर लीग सॉकर का मैच हो रहा है कॉलोराडो रैपिड्स वर्सेस सेंट लुइस के बीच 7:11 पे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो कॉलोराडो रैपिड्स एंड सेंट लुइस में, कॉलोराडो रैपिड्स मेजर लीग सॉकर की बहुत बड़ी टीम है, टॉप 5 की बेस्ट टीम है भाई साहब ये। और ये जो सेंट लुइस है, इनका तो बहुत अभी तक मैं कहूँ तो डाउनफॉल चल रहा है। और साथ ही साथ सेंट लुइस इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है भी नहीं कि वो सीआर को हराए, हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, कभी हुआ हो इन हिस्ट्री, कभी हुआ हो, लेकिन मेरे, अगर मैं बात करूँ अपने सुपरविजन में, मैंने तो नहीं देखा कि सेंट लुइस ने इन पर कभी भारी भी पड़ी हो। हाँ, एक आध बार पड़ी थी, लेकिन सीआर निपटा देती है इन्हें। तो मैं सीआर के साथ हूँ एंड यू हैव टू फेवर सीआर। जीतना है तो सीआर को ही फेवर करो। और ये बहुत कॉमन बात है भाई, अगर ये आप मेरी वीडियो ना भी देखते ना, तब भी आपने सीआर को ही फेवर करना था। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, देखो भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन में डी मिहलोविक इज़ अ मेन प्लेयर। और डी मिहलोविक को स्ट्राइकिंग में डालने का डिसीजन बहुत अच्छा था। ये कल तक ये बंदा मिडफील्डिंग सेक्शन में था, इन्होंने इसको स्ट्राइकिंग में डाल दिया ये मैच होते ही। पता नहीं क्यों, क्योंकि मिहलोविक बहुत गोल कर रहा है। और ये ना फॉर्मेशन भी असल में इसकी स्ट्राइकिंग ही, ये शुरुआत इसकी इतनी खास नहीं हुई थी फरवरी मार्च में, लेकिन अब ये इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इवन हैट्रिक तक मार चुका है सीजन में। पेनल्टी टेकर भी यही है, हैट्रिक भी की इसने, मैक्सिमम गोल कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ करता नज़र आता है। उसके बाद नवेरो की बात करते हैं, नवेरो की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं इतना मर्जी कह दूँ, मिहलोविक जितना मर्जी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, लेकिन जो दम नवेरो शुरू से रखता है ना, आज सीआर टीम को यहाँ पर लाने वाला जो बंदा है ना, वो ये है। आज अगर इसके सुपरविज़न में बाकी प्लेयर ना खेल रहे होते ना, तो ये टीम थोड़ी डाउन होती। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में क्लोज करते हुए हम क्लोज हो जाएंगे, ये मत लेना भाई। अब मैं आपको पहले ही बताऊँ, वैसिलेव एंड एंथ थॉरिसन का मेन रोल रहेगा यहाँ पे, और मेन काम वैसिलव का ही है, क्योंकि वैसिलव इन दिनों अच्छा भी खेल रहा है। देन आई एम विद वैसिलव। मिडफील्डिंग सेक्शन में बैसट को लो। बैसट गोल भले ही ना करे, लेकिन आपको डिसअपॉइंट तो नहीं होने देगा। बट ऐसा है कि लोग कप्तान इसे ज़रूर रखेंगे, क्योंकि लोगों का क्या है, वो 601 पॉइंट देख रहे हैं कि इसके 600 पॉइंट है, तो इसे रख लो। मानता हूँ इसकी मेहनत भी तगड़ी थी, जब मिहलोविक फॉर्म में नहीं था तब बैसट ही था जिस बंदे ने गोल किए थे। तो बट मैं ये इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बैसट को कैप्टन रखना थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिस्की रह सकता है। मैं साफ बोलूँ तो 4 मेंबर में रिस्की रह सकता है, 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में शायद आप जीत जाओ, लेकिन 4 मेंबर में इसको कप्तान नहीं, वाइस कप्तान रख सकते हो। हैरिस सिर्फ गिनती के 2 मैचेस में चला है, ठीक है, तो इसको लेने का कोई तुक नहीं। ओ फर्नांडिस रोनन तो कमज़ोर प्लेयर है। सो ऑपोजिशन टीम पे आते हैं। ऑपोजिशन टीम में सी पोम्पियो करके कोई प्लेयर है, लास्ट मैच में मैंने इसे लिया था, जब मैंने देखा कि ये खेल नहीं रहा तो मैंने इसे ड्रॉप आउट करके अन्य प्लेयर को लिया था। लॉवन तो चलो शुरुआत से मेरी टीम में है, लॉवन को तो ऐसा है कि वो मेरा मस्ट पिक है, मैं लॉवन को छोड़ ही नहीं सकता। उसके बाद उसकी जगह पर अब जैसे एलम की बात करें, तो एलम का भी क्या है कि वो भी इंजर्ड चल रहा है। जैक्सन की बात करें तो जैक्सन को कोई लेगा ही नहीं, ऑस्ट्रेक को कोई लेगा नहीं, एच कीजीमा को शायद कोई ले ले। पिछले मैच में ठीक है, भले ही उसने गोल किया, लेकिन गोल चांसेस बहुत लो रहेंगे। इसको लेना कोई वो बात नहीं, अगर आज ये गोल करते हैं ना, तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सिलेक्शन बेसिस पे बहुत कम है इसकी सिलेक्शन। और डिफेंडिंग सेक्शन में बॉम्बिटो, उसके बाद मैक्सो, ठीक है, मैक्सो के बाद वाइन्स जो है वो बंदा आज 3rd डिफेंडिंग कर रहा है, तो सैम विंस अगर फ्लॉप भी होता है तो एक्सेप्टेबल रहेगा, लेकिन अगर क्लीन शीट लगती है तो 20 पॉइंट ज़रूर मिलेंगे। और रोजन बैरी माय फेवरेट डिफेंडर ऑफ सीआर टीम, वैसे फेवरेट नहीं है लेकिन सीआर टीम में मेरे को बढ़िया लगता है। एंड बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग की, बुर्की बहुत पुराना प्लेयर है, मतलब मेरे को बुर्की जब नाम आता है ना, मेरे को मन में आता है कि लीजेंड गेम प्लेयर्स बंदे का। एंड बात करें कैप्टन की, लोगों ने बैसट को रख भी दिया कैप्टन, आप मत रखो, आप ना नवेरो को कैप्टन रखो, वाइस कैप्टन मिहलोविक को रखो। तो ये तो हो गई बहुत रिस्की टीम। अगर थोड़ा सा सेफ जाना है, थोड़ा अगर चाहते हो कि हाँ चल एक बार 1-2% सेफ हो जाए, तो बैसट को वाइस कैप्टन रख सकते हो। ये मेरी सेफ टीम है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये मेरी रिस्की टीम है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सुबह एडिट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।